हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग परसेंटेज के अगले क्लास में कुछ थ्योरी देखते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, किसी वस्तु के भाव में एक्स परसेंट वृद्धि हो जाने पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु के खपत में कमी बराबर क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पहले क्लास में हम देख चुके थे जो प्रतिशत कमी वहां पर भी फाइंड आउट कर रहे थे, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है ना। जैसे प्रतिशत कमी बताना है, फॉर्मूला हो जाएगा 100x/100+x%। समझ में, फिर से समझते हैं थ्योरी क्या दिया हुआ है। जैसे किसी वस्तु के भाव में कुछ परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, दैट मीन्स किसी का जो रेट है वो बढ़ गया, तो हमें अपने खर्च को चेंज ना करें, इसके लिए क्या करना होगा, हमें वस्तु के खपत में कुछ ना कुछ कटौती करना पड़ेगा। तो कितनी की हम कमी करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा 100x/100+x%। सेम यदि हम इसको रिवर्स करते हैं कि किसी वस्तु के भाव में x परसेंट कमी आने पर, ठीक है, अब यहाँ पर वस्तु क्या हो रहा है, सस्ता हो जा रहा है, तो खर्च कम ना हो, दैट मीन्स खर्च जितना था उतना ही रहे, इसके लिए हमें अपने खपत को बढ़ाना होगा। तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हो जाएगा फॉर्मूला 100x/100-x%, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम। लगातार वृद्धि या कमी हो तो, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें दे देगा अंतिम परिणाम या फिर प्रारंभिक परिणाम दिया रहेगा और कोई एक हमसे पूछा जाएगा, तो अंतिम परिणाम दैट मीन्स लास्ट में वो राशि कितना हो जा रहा है, वो संख्या कितना हो जा रहा है, इक्वल टू प्रारंभिक परिणाम दैट मीन्स जितना स्टार्टिंग में था, इनटू 100+-R1/100, 100+-R2/100 और 100+-R3/100, ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा जितना परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, प्लस साइन लेंगे जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और माइनस साइन कब लेंगे, डिक्रीज के समय। समझ में आ रहा है इतना। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। इसमें संख्या के पर जनसंख्या भी हो सकता है या फिर किसी पे अमाउंट भी लिया रहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य इतना था, फिर वो ऐसे ऐसे चेंज होते हुए चला गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, प्रारंभिक परिणाम दिया हुआ है कितना, प्रारंभिक परिणाम दिया हुआ है 8500, है ना। प्रारंभिक दिया हुआ है कितना, 8500 दिया हुआ है, ठीक है। R1 दे रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, R1 कितना, +20% लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। और R2 हो रहा है हमारा कितना, ये भी 25% की इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बोला जा रहा है दो वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में जनसंख्या 8500 है, एक साल बाद जनसंख्या 20% बढ़ गया, फिर जनसंख्या 25% बढ़ गया, तो यहाँ पर सिर्फ दो साल की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम परिणाम, यानी कि दो साल बाद जनसंख्या बराबर क्या, प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 8500 100+-R1/100, है ना। यहाँ पर लिख देता हूं पहले बार फॉर्मूला, प्रारंभिक 100+-R1/100, 100+-R2/100। चलिए मान पुट करते हैं यहां से, प्रारंभिक मान दिया हुआ कितना, 8500, 100 क्या लेंगे, प्लस की माइनस, प्लस साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, 100+20/100 करेंगे, और ये हो जाएगा यहां से 100+ यहां पर भी R2 कितना दिया हुआ है, 25/100, बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा हमको 8500 × 120/100 और हो जाएगा 125/100,
सौ, ठीक है, कैंसिल करिए इसको, 25 से क्या रहेंगे, 25 पांच बार में, ये चार टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 20 से करिए 6 टाइम्स में और एक पांच बार में। अब देखिए यहां से 5 से इस 5 को कैंसिल कर लीजिए, 4 से क्या करेंगे, 4 से इसको कर लीजिए आप, इतना एक कैंसिल यदि हम करते हैं यहां से 4 से इसको हम कर देते हैं कितना, इसको कैंसिल करिए, 4 दुनी 8 1, 4 दुनी 8 और 4 5 20, यानी कि 2125 × 6 ये हमारा हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करिए 6 5 20 की 0 हासिल 3, 6 दुनी 12 3, 15 के 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 6 दुनी 12 ये हुआ हमारा जनसंख्या 2 साल के बाद में, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और क्या दे सकता है, क्वेश्चन ये दे सकता है कि 2 साल के बाद में जनसंख्या कितना बढ़ गया, स्टार्टिंग में जनसंख्या 8500 है, अब बढ़ कितना हो चुका है 12750 हो चुका है, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे यदि ऐसा पूछा जा रहा है तो, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन और। अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि यदि किसी संख्या में लगातार वृद्धि या कमी होगा तो क्या यूज करेंगे, अंतिम परिणाम इक्वल टू प्रारंभिक परिणाम, 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100 और 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100, एक डॉट डॉट कंटिन्यू आगे बढ़ते चला जाएगा n टाइम्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर यदि हम एक केस ले ले, सपोज लेट R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल ये R के बराबर हो जाए, ठीक है ना, दैट मींस R1 R2 R3 का मान एक फिक्स हो जाए, ठीक है, कोई उसमें बदलाव ना हो। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अंतिम परिणाम बराबर क्या प्रारंभिक परिणाम इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100 के पावर में क्या एन। आ रहा समझ में कैसे फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ध्यान दीजिए यदि हम R1, R2, R3 को R मान लेंगे तो एक क्वांटिटी सब आपस में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यदि हम टोटल को यहां पर सपोज यहां पर R रख लीजिए, यहां पर भी R ले ले, यहां पर भी R ले ले, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100, 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100, ये कंटिन्यू सब एक ही चीज हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा एन, और एन क्या होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि 3 साल के लिए देता है या 3 बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो एन का मान 3 ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके क्वेश्चन और हम लेते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया लिया हुआ है ना, यानी प्रारंभिक दिया हुआ है कितना, प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है 5 लाख, एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है तो कितने वर्ष बाद इसके मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। ये प्रारंभिक दिया हुआ है और अंतिम, यदि हम अंतिम की बात करें, अंतिम मूल्य जो है, अंतिम परिणाम कितना दिया हुआ है 364,500 दिया हुआ है, और यहां पर R1 का मान, R2 का मान सब कुछ किसके बराबर है, इस 10 के बराबर ही है ना, यानी कि R का मान यहां पर दिया हुआ है 10%। तो पूछा जा रहा है N का मान क्या होगा, अभी जो जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं। चलिए फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था अंतिम इक्वल टू प्रारंभिक 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100 के पावर में N, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, अंतिम का मान दिया हुआ है कितना 364,500, प्रारंभिक दिया हुआ है कितना 5 लाख। चलिए 100 प्लस माइनस, यहां पर हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, देखिए 10% दिया हुआ है क्या, 10% की कमी हो रही है ना प्रति बार, तो माइनस लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन में 100 के पावर में n,
और यही एन का हमको मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले कुछ कैंसिल कर लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 3645 अपॉन में कितना 5000 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे 100 में से 10 चला जाएगा 90/100 के पावर में एन, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, दैट मीन्स ये आ जाएगा 9/10 के पावर में एन। चलिए तो हम इसमें कुछ और कैंसिल करते हैं, यदि हम 5 टाइम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 5 टाइम कैंसिल करेंगे तो 5 में 7 टाइम 35 14 यानी 5 × 10 = 459 ये हो जाएगा 729/, जब इसको 5 से कैंसिल करेंगे कितना मिलेगा 1000 बराबर 9/10 के पावर में एन। तो एन का मान हम क्या ले लें, एन का मान हम क्या रखें इतना हो जाए। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 729/9, हमें पता है 729 को लिख सकते हैं 9/10 का होल क्यूब, है ना। 729 कितना हो जाएगा 9 का होल क्यूब, देखिए 9 9 करेंगे 89 करेंगे 9 7 2 9, ठीक है। तो 729 को लिख दिए 9 का होल क्यूब और 1000 को 10 का होल क्यूब, ये भी किसके इक्वल हो गया 9/10 के पावर में एन। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन का मान क्या मिल गया, एन का मान मिल गया 3। दैट मीन 3 साल बाद यानी प्रति वर्ष 10% डिक्रीमेंट हो इस मकान के मूल्य में, फाइनली 5 लाख से इसका जो दाम है घटकर कितना हो जाएगा 3,64,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर बेस बनेगा इसको भी हम वही बेस बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे यहाँ पर 9/10 का बेस बन रहा है तो अभी 10 का बेस नहीं बन सकता है, 5000 है, तो हमें पता है यदि इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 1000 मिल जाएगा, तो इसलिए हम इसको 5 से ऊपर नीचे कैंसिल किए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला देखते हैं। थ्योरी पर आते हैं, यदि किसी राशि में लगातार 2 बार दैट मीन्स R1% एंड R2% का परिवर्तन हो, यहाँ पर परिवर्तन ये शो कर रहा है कि वो R1% R2% बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या तो ये हो सकता है कि R1 इंक्रीमेंट हो R2 डिक्रीमेंट हो, दैट मीन्स कोई भी वेरिएशन हो सकता है। तो उस समय कुल प्रतिशत बदलाव दैट मीन्स टोटल परसेंटेज चेंज इक्वल दैट मीन्स आर इक्यू बैलेंस, है ना, इसको बोलेंगे टोटल परसेंटेज चेंज में क्या बोलेंगे, आर इक्यू बैलेंस, मतलब टोटल बदलाव जो हो रहा है R1 + R2 + R1 R2/100, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसको स्टार लगा लीजिएगा, यहां पर क्या करना है R1 R2 को हमें विथ प्रॉपर साइन लेना है, ठीक है। टेक R1 एंड R2 विथ देयर प्रॉपर साइन, दैट मीन्स यदि वृद्धि हो तो क्या करेंगे साइन को प्लस लेंगे, और कमी के केस में क्या करेंगे साइन को माइनस लेंगे, है ना। तो पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R1 R2/100, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब लगातार 2 बार प्रतिशत बदलाव हो, ठीक है। इससे पहले जो फॉर्मूला देखे थे वो 2 या 2 से अधिक बार के लिए था, है ना, अंतिम इक्वल टू प्रारंभिक 100 + R1/100 100 + R2/100, वो भी इसी का एक फॉर्मेट है, लेकिन उसमें प्रारंभिक और अंतिम दिया रहेगा, लेकिन इस टाइप में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ पूछेगा कि कितना बदलाव हो रहा है, ठीक है। तब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसे क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। चलिए हम इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल प्राप्ति होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया हुआ है R1 का मान कितना 20%, क्या प्लस की माइनस प्लस लेकर चलेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। R2 दिया हुआ है 20% की कमी, है ना, ये हो जाएगा 20% की कमी, दैट मीन्स इसको हम माइनस लेकर चलेंगे,
तो हमको बताना है छानबीन क्या प्रतिशत बदलाव होगा यदि ये दोनों कंडीशन सस्टेन करे। तो हमें पता है फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू अपॉन में 100। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। आर वन का मान दिया हुआ है कितना, प्लस 20। आर टू का मान देखिए यहां पर माइनस है, तो यहां पर हमको लेना होगा माइनस। आर वन का मान प्लस 20, यहां पर प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस आर वन आर टू, यानी कि आर वन का मान प्लस 20, आर टू का मान माइनस 20 अपॉन में 100। चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 ये हो जाएगा माइनस 20, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 20 इंटू 20 अपॉन में 100। तो 10 कैंसिल, 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 गुणे 2 हो जाएगा 4। दैट मीन्स फाइनली क्या मिला, -4%। तो -4% दैट मीन्स 4% का बदलाव होगा। अब बदलाव या तो अधिक हो सकता है या फिर कम हो सकता है, एक कौन डिसाइड करेगा, इस साइन। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कमी है ना, ये क्या बता रहा है, 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो चेक करिए आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी में दिया हुआ 4% का वृद्धि और ऑप्शन सी में दिया हुआ 4% की कमी, तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है इसलिए बोलेंगे 4% की कमी, यदि प्लस साइन होता तो 4% की वृद्धि होता। क्लियर है, समझ में आया, चलिए इसको नोट डाउन करिए यहां तक पहले।